अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। लास्ट वीडियो में आप लोगों की तरफ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आज की इस वीडियो में इसको कवर करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन आया था, इन्होंने पूछा है क्या कोई चांस है कि शॉमी 11T की प्राइस ज़्यादा की जाएगी क्या न्यू टैक्सेशन की वजह से, या फिर वेट करना चाहिए पोको F4 का। तो अभी तो चांस नहीं है शॉमी 11T की प्राइस इंक्रीज़ होने की, जो प्राइस होनी थी वो सारी इंक्रीज़ हो चुकी हैं क्योंकि अभी ओल्ड डिवाइस हो चुकी है, तो उसके प्राइस इंक्रीज़ मज़ीद एक्सपेक्टेड नहीं है। बाकी अगर आप वेट कर सकते हैं पोको F4 का तो वेट ज़रूर करें, लेकिन अभी जल्दी नहीं आने वाला, यानी मार्च या जल्दी अप्रैल में हो सकता है बाद में आ जाए, लेकिन अभी तक अप्रैल की भी कंफर्मेशन नहीं है, 2-3 महीने तो उसको लगने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था शॉमी 12X कब आएगा और एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी। शॉमी की 12 सीरीज़ ज़्यादातर अप्रैल के महीने में आती है, तो अभी अप्रैल के महीने में आएगी, उसी टाइम पे एक्सपेक्टेड प्राइस बताऊंगा। इतनी जल्दी से एक्सपेक्टेड प्राइस मतलब 2 महीने पहले हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते प्राइस को। इसके अलावा कैन यू प्लीज़ टेल मी द अबाउट कस्टम टैक्स ऑन आईफोन XS Max एंड अबव इफ आई इम्पोर्ट इन USA। टैक्स तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं इस टाइम पे, पहले टैक्स कुछ कम थे, अभी आई थिंक ये मेरे ख्याल से 500 अबव में ही आएगा। प्राइस देखनी होगी आप USA से किस प्राइस के अंदर उसको बाय कर रहे हैं, तो उस पर टैक्स तकरीबन 92,000 रुपीज़ आने वाला है। इसके अलावा बेस्ट मोबाइल अंडर 40K विथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले। सुपर एमोलेड डिस्प्ले अंडर 40K इस टाइम पर सैमसंग A32 बेहतरीन चल रहा है, जो आपको तकरीबन 38,000 रुपये तक मिल जाएगा, जिसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी मिलता है, लुक भी अच्छी है और कैमराज भी अच्छे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था 60K में कोई अच्छी स्पेक्स के साथ गेमिंग डिवाइस अगले 2 मंथ तक आने का चांस है जिसका वेट करना चाहिए। वेट आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छी गेमिंग डिवाइस चाहिए तो आपको रेंज थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे तमाम डिवाइसेस एक्सपेंसिव आ रही हैं और इसका रीज़न आपको पता है, एक तो टैक्सेस बहुत सारे लग चुके हैं, दूसरा डॉलर का एक्सचेंज रेट भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो 60,000 से ऊपर की आपको रेंज करनी पड़ेगी, 2 महीने तक ज़रूर एक्सपेक्टेशन है। अब पोको की F4 अभी गेमिंग K40 गेमिंग एडिशन लॉन्च हुआ है चाइना के अंदर, हो सकता है इसको ग्लोबल दूसरे नाम से लॉन्च किया जाए और फिर इसको पाकिस्तान में भी आ जाए। और भी डिवाइसेज एक्सपेक्टेड हैं अप्रैल के महीने में काफ़ी सारी, लेकिन आपको थोड़ी रेंज आई थिंक बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप मुझे जिस तरह आपने लिखा है गेमिंग स्पेक्स के साथ डिवाइस, तो आपको रेंज थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा रियलमी 9i की एक्सपेक्टेड प्राइस पूछी थी, अब तो लॉन्च हो चुका है 38,000 रुपीज़ की प्राइस में, 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी प्राइस, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 4GB 128GB रोम का वेरिएंट होगा 32,000 रुपीज़ की प्राइस में, लेकिन यहाँ 6GB 128 को सिर्फ मतलब हायर वेरिएंट को लॉन्च किया गया है, इसका लोअर एंड नहीं लेकर आया पाकिस्तान में, वो भी 38,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर, जबकि 6128 में 38,000 रुपीज़ में रेडमी नोट 11 मौजूद है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करता है और यहाँ पे IPS डिस्प्ले मिलता है, और इन दोनों का कंपैरिजन भी जल्दी करेंगे। हमने वैसे रियलमी 9i का रेडमी नोट 11 के 4GB रैम से कंपैरिजन किया है, अगर आपने नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन था रीनो 6 प्रो का प्राइस कब लगेगा। रीनो 6 प्रो पे प्राइस कट लगना ज़रूर है, लेकिन अभी कंफर्म मतलब डेट कंफर्म नहीं है, रीनो 7 प्रो के करीब लगेगा, मतलब रीनो 7 प्रो जब लॉन्च होने वाला होगा, ये नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है रीनो 7 प्रो, तो उस वक्त ज़रूर लगेगा, क्योंकि रीनो 6 प्रो का काफ़ी ज़्यादा स्टॉक अभी मार्केट में अवेलेबल है और इस पर सेल इतनी नहीं है, लेकिन जब रीनो 7 प्रो लॉन्च होगा, उसके करीब होगा लॉन्च के, तो उससे थोड़ा टाइम पहले इस पर प्राइस कट ज़रूर लगेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन की पूछा गया, आर यू श्योर अबाउट द टैब S8 अल्ट्रा विल लॉन्च इन पाकिस्तान, प्लीज टेल बिकॉज टैब S7 सीरीज विज लॉन्च इन पाकिस्तान बिफोर। टैब S8 अल्ट्रा लॉन्च होगा, लेकिन अभी इतनी जल्दी कंफर्म नहीं है, क्योंकि सैमसंग इस टाइम पे बिल्कुल इस दफ़ा बिल्कुल अलग चला है, सैमसंग कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। S22 सीरीज़ के अंदर भी आप रख सकते हैं सिर्फ S22 अल्ट्रा की प्राइस रिवील की गई और मार्च में इसकी प्री बुकिंग हो रही है, बाकी S22 Plus की प्राइस रिवील नहीं की गई, ना कोई प्री बुकिंग के बारे में बताया गया, ना ही टैब S8 सीरीज़ के बारे में बताया गया, कब आएगी आएगी नहीं आएगी डिवाइस, तो उसके बारे में अभी कोई श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन जैसे ही मिलेगी कोई न्यूज़ तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन था पोको F4 कब आएगा पाकिस्तान में। पोको F4 मार्च नहीं अप्रैल में एक्सपेक्टेड है, पोको F4 अप्रैल के महीने में आ सकता है पाकिस्तान में, और कंफर्मेशन मिल जाएगी तो शेयर ज़रूर करूँगा, टेक न्यूज़ ज़रूर देखा करें, उसमें ज़्यादातर कंफर्मेशन के बाद में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ न्यूज़। 20,000 रुपये के अंदर बेस्ट मोबाइल कौन सा होगा। 20,000 के अंदर आपके पास टेक्नो स्पार्क 7T का ऑप्शन है, काफ़ी अच्छी डिवाइस है, 22,000 रिटेल है, लेकिन आपको 20 के अंदर मिल जाएगी डिस्काउंट के बाद। इसके अलावा रियलमी C21 Y काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास, 4GB 64GB रोम का वेरिएंट,
और वो भी आपको 20,000 के अंदर मिल जाएगा, 20,800 का मैक्सिमम, 20,500 रुपये के अंदर आपको अच्छी वॉच मिल जाएगी। इसके अलावा रियलमी 9 प्रो प्लस लॉन्च डेट इन पाकिस्तान, रियलमी 9i तो हो गया है इस महीने, रियलमी 9 सीरीज़ के अंदर इन्होंने रियलमी 9 सीरीज़ नाम दिया है, रियलमी 9i लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब है रियलमी 9 प्रो या रियलमी 9 जो है वो नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है, मार्च के महीने में हो सकता है, क्योंकि इस डिवाइस को इन्होंने थोड़ा सा टाइम देना था। अगर एक साथ लॉन्च कर देते तो फिर ये रियलमी 9i इतनी ज़्यादा सेल नहीं होती, तो थोड़ा टाइम इसीलिए लिया गया रियलमी 9i की जो उनके टारगेट्स हैं उसको अचीव कर लें, या तो इसी मंथ हो जाता है अचीव तो अच्छी बात है, फिर रियलमी 9 को जल्दी आ जाएगा, वरना थोड़ा सा ये टाइम लेंगे उसके टारगेट्स को अचीव करने के बाद, रियलमी 9 प्रो प्लस को करेंगे। इसके अलावा A73 कब आएगा, A73 आई थिंक सैमसंग A73 के बारे में पूछ रहे हैं, ये अप्रैल के महीने में एक्सपेक्टेड है। सजेस्ट मी बेस्ट मोबाइल अंडर 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ की जो रेंज है इसके अंदर आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन आ सकते हैं। वीवो V21 ही काफ़ी अच्छा ऑप्शन था 42,000 41,000 रुपीज़ के अंदर, लेकिन अभी बहुत कम आपको शॉपकीपर्स के पास मिलेगा, डिसकंटिन्यू हो चुका है V23e के आने के बाद। इसमें सैमसंग A32 काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, लुक भी प्यारी है और कैमराज भी अच्छे हैं। इसके अलावा ओप्पो A95 की प्राइस कट लगेगा, ओप्पो A95 बंद हो चुकी है डिवाइस, डिसकंटिन्यू मॉडल है तो उस पर प्राइस कट लगना मुश्किल है, अगर दोबारा से कुछ स्टॉक आता भी है लास्ट स्टॉक तो प्राइस कट तो नहीं लगेगा उस पर, क्योंकि अब A96 की तैयारी कर रहा है ओप्पो नेक्स्ट महीने में। Reno7 इंडिया वाला आएगा या चाइना वाला Reno7 आएगा पाकिस्तान में, मेरे ख्याल है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, चाइना और इंडिया में जो आया वो सेम ही आया है, Reno7 ही आएगा पाकिस्तान में, क्योंकि इस दफ़ा ओप्पो की तरफ से यही हमें कंफर्मेशन मिली है कि इस दफ़ा ये गेम नहीं करेंगे Reno6 के साथ जो उन्होंने किया था, Reno5 को रीनेम करके अनाउंस कर दिया था, इस दफ़ा Reno7 ही आएगा पाकिस्तान में, जो ओरिजिनल चाइना में लॉन्च हुआ है Reno7 वही Reno7 आएगा पाकिस्तान में। इसके अलावा एक क्वेश्चन है मेरे पास, रियलमी मोबाइल में 3.0 की अपडेट करने के बाद मोबाइल में डेटा डिलीट तो नहीं होगा, प्लीज़ आंसर टू सोल्यूशन। नहीं, डेटा डिलीट नहीं होता अपग्रेड करने से, आप कोई भी अपडेट लेते हैं, रियलमी UI की अपडेट हो, एंड्रॉयड अपडेट हो, कोई भी अपडेट हो, उसमें डेटा डिलीट नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने में लेकिन डेटा डिलीट नहीं होता। इसके बाद एक क्वेश्चन था हमारे पास, Reno7 Pro मास्टेक वाले अली भाई बता रहे थे कि अप्रैल में आएगा, जब तक आपकी वीडियो में कहा था कि फेब के लास्ट में आएगा, कन्फर्म डेट बता दें, कन्फर्म डेट तो नहीं है लेकिन जो ओप्पो की तरफ से हमारे पास कन्फर्मेशन आ रही होती है, मतलब न्यूज़ आ रही होती है, वो हम शेयर करते हैं आपके साथ। ओप्पो की तरफ से पहले ही न्यूज़ आई थी कि Reno7 सीरीज़ फेब के लास्ट में आ रही है, लेकिन अभी Reno7 सीरीज़ का मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली A16K लॉन्च किया है, उसके बाद फिर ये A76 आ रहा है, फिर A96 के बारे में बताया था, तो नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड कह सकते हैं इसको, मार्च के महीने में, लेकिन या अगर मार्च के देखते हैं कब आता है, मार्च के मिड में या जैसे कंफर्मेशन मिल जाएगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये मार्च में आ रहा है या अप्रैल में आ रहा है, लेकिन मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है कि मार्च के महीने में आएगा, क्योंकि इन्होंने टीजर्स देना शुरू कर दिए थे। इसके अलावा Reno7 Pro के बारे में बता दें, भाई पूछ रहे हैं, आई थिंक मैं आप लॉन्च डेट ही पूछना चाह रहे हैं, ये जैसे मैंने बताया आपको मार्च के महीने में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, Realme GT 2 सीरीज़ पाकिस्तान में कब तक आएगी, Realme GT 2 सीरीज़ तो अभी MWC के अंदर ग्लोबली लॉन्च होने जा रही है 28 फेब को, तो उसके बाद टाइम लगेगा इसमें पाकिस्तान में आने में, इतनी जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि अभी MWC जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है 28 फेब को बार्सिलोना स्पेन में, इसमें तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी फ्लैगशिप डिवाइसेस लॉन्च करते हैं, तो उसमें भी Realme GT 2 सीरीज़ लॉन्च होने जा रही है। उसके बाद हो कह सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ आ जाए, मतलब लॉन्च के बाद नेक्स्ट या 2 मंथ्स बाद आ जाए, अप्रैल के अंदर आ जाए, अप्रैल का महीना मुझे ऐसा लग रहा है इसमें काफ़ी सारी डिवाइसेज होंगी पाकिस्तान के अंदर। ऑफलाइन मार्केट में स्टॉक आ गया है Note 11 का, हाँ Note 11 का स्टॉक आ गया है, काफ़ी टाइम हो गया Note 11 के दोनों वेरियंट्स अवेलेबल है ऑफलाइन मार्केट में, मैंने आपको बताया भी था दूसरे दिन ही जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी, अनबॉक्सिंग की थी हमने, नेक्स्ट डे मैंने बता दिया था स्टॉक अवेलेबल हो चुका है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, Redmi Note 11s कब रिलीज होगा और ऑफलाइन मार्केट में विद गिफ्ट बाय करना है तो मुझे प्लीज़ बता दें, अभी तो लॉन्च ही नहीं हुआ तो आप ऑफलाइन मार्केट में विद गिफ्ट कैसे बाय करेंगे, ये इन्होंने खुद उसको थोड़ा सा डिले किया है, पहले कर सकते थे एक साथ लॉन्च, लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर ये एक साथ कर देते तो रेडमी नोट 11 इतना सेल नहीं होता जितना नोट 11 एस सेल होता, तो इस वजह से इन्होंने इसके टारगेट्स अचीव करने के लिए रेडमी नोट 11 को पहले लॉन्च किया है, ताकि ये चाह रहे हैं पहले उसकी टोटल सेल ले लें और उसके बाद फिर रेडमी नोट 11 को एस को लॉन्च करें साथ, नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है, अभी कर देते एक साथ तो फिर रेडमी नोट 11 सेल नहीं होता, नोट 11 एस की ज़्यादा सेल होती, जिसकी वजह से इन्होंने अभी रेडमी नोट 11 को खाली किया और नोट 11 एस नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है। तो ये थे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको तमाम आंसर्स मिल गए होंगे, मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हों तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और अब हम इसको इंस्टाग्राम पे किया करेंगे Q&A की एपिसोड को, मतलब आप लोगों से क्वेश्चन जो हम इंस्टाग्राम पे लिया करेंगे, तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया अभी तक तो फॉलो कर दें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट Q&A की एपिसोड जो होगी वो हम इंस्टाग्राम से क्वेश्चन लिया करेंगे, उसके बाद उसको फिर यहाँ पर वीडियो में इंक्लूड किया करेंगे। तो कैसे लगी आपकी वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।